जी वेलकम बैक। तो बड़ी मजे मजे की बातें हो रही थी और अब मैं इनसे कुछ पर्सनल लाइफ के मुतालिक पूछूंगी। आइए पूछते हैं इनसे। जी तो मुझे बताएं, माशाल्लाह से मैरिड तो हैं आप, लव मैरिज हुई या अरेंज हुई? लव मैरिज। लव मैरिज हुई। पेरेंट्स एग्री थे, मनाना पड़ा, कैसे? मनाना तो पड़ता ही है जब आदमी थोड़ा सा हटके ट्रैक से जा रहा होता है, मनाना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल है कि हम दोनों की फैमिली जो है, मेरी वाइफ की फैमिली, दोनों समझदार है। तो उनको एक टाइम पे रियलाइज हो गया कि हाँ ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। बस इसमें और कोई बात नहीं। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कितने हैं? बच्चा है, मेरे दो है, एक बेटी है एक बेटा। माशाल्लाह से। अच्छा ये तो पैंडेमिक में चले आपने टाइम दिया क्योंकि मजबूरी थी, लॉकडाउन था, रहना पड़ा, काम भी करने पड़े। वैसे लाइफ में आप सपोर्ट करते हैं वाइफ को कुकिंग में या घर के कामों में? हाँ मुझे बड़ी अच्छी कुकिंग आती है। और कुकिंग इसलिए आती है कि मैंने एक बड़ा टाइम जो है वो मुल्क से बाहर गुजारा है, तो आपको खुद खाना पीना पकाना पड़ता है, धोना वोना पड़ता है, बर्तन छर्तन अपने खुद। तो यूरोप की लाइफ होती भी ऐसी है जरा सी, तो चूंकि वो थी, जब अपने घर में कर रहे हैं तो इसमें काई की शर्त। सही बात है। तो फिर वो समझ में आ गया था, वो करते हैं, खाना पकाने का शौक है। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा वो कम हो गया, तो बेगम कहती है कि आप जो है ना बड़े अधराम हो गए। चेंज हो गए। चेंज हो गए। यही हम औरतें यही कहती ना, आप बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। शुरू के 2 साल इतनी मेहनत करती हैं बीवियां कि बदल देती हैं शौहर को, फिर कहती हैं आप बदल से गए। आप बदल गए, खुद ही बदलवा के कहती हैं आप बदल गए, आप बदल गए, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अच्छा वीकेंड पे जाते हैं फैमिली के साथ, उनको टाइम देते हैं इस तरीके से? देखो एग्जैक्ट वीकेंड नहीं होता, शोबीज की लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। कभी आप संडे को शूट कर रहे हैं, कभी लेट नाइट शूट कर रहे हैं, कभी अर्ली मॉर्निंग शूट होती है, बिल्कुल ही फजर से भी पहले वाला शूट कॉल टाइम होता है। तो कभी आप तीन तीन चार चार दिन पांच पांच दिन एक स्पेल में लगे होते, सुबह आए शाम आए सुबह आए गए, बिल्कुल ऐसे होता है। बाज़ दफा तो बात करने का भी मौका नहीं मिलता। समटाइम ऐसा होता है मैं रिकॉर्डिंग पे होता हूँ, तो जब मैं घर आता हूँ तब भी मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, जब मैं जा रहा होता तब भी बच्चे सो रहे होते हैं, या होते नहीं है घर पे, तो मुलाकात नहीं होती, एक ही घर में रहते थे। लेकिन जब टाइम मिलता है तो लंबा टाइम भी मिल जाता है, दो दो हफ्ते का, एक एक हफ्ते का टाइम भी मिल जाता है, तो वो फिर वही वीकेंड होता है अपना। सही। जो टाइम होता है फिर वही वीकेंड होता है, फिर आदमी उसमें एंजॉय करता है, बात करता है, खेलता कूदता है उनके साथ। सही। वाइफ कभी कंप्लेन करती हैं जब आप टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रहे होते, कभी कंप्लेन करती हैं? वाइफ का काम ही कंप्लेन करना है। वाइफ का नाम ही कंप्लेन। वाइफ ब्रैकेट में कंप्लेन। हां वाइफ ब्रैकेट कंप्लेन। अच्छा तो आपकी हॉबीज क्या है ये भी बताएं। हॉबीज ऐसे कुछ खास नहीं है, बट पर्सनली आई लाइक DIY, डू इट योरसेल्फ। करते हैं आप? हाँ, ऐसी कोई चीज आपको लगती है कि यार ऐसी कोई ये चीज है, ये हमें भी बना के देखनी चाहिए। तो पहले वाला टाइम आपको याद होगा कि पहले होता था वो मकरामे बनाते थे या कोई दस्तकारी करते थे, खास उसके लिए होता था, होम इकोनॉमिक्स होता था। अब तो चीजें बहुत वेरिएंट हो गई हैं, अब तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, अब तो बहुत सारी चीजें आपको, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि YouTube जो है ना वो खाली एंटरटेन करने के लिए नहीं, उससे सीख भी सकते हैं। तो इजाद बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा है। तो YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं, अगर आपको गिटार सीखना है वो आप बिल्कुल सिखाने वाले बहुत सारे मौजूद हैं। बिल्कुल। कुकिंग सीखनी है उसको सिखाने वाले पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं, आपको मतलब वो तक पकाना सिखा देंगे जो आपने कभी खाना भी नहीं है, मगरमच्छ पकाना भी सिखा देंगे, इतनी दुनिया बैठी हुई हर जगह। तो वो तो है, वो उसमें दिल चाहता है कि अच्छा ये ऐसे कर लेते हैं। तो कभी कभी आदमी को अपने आप को एंगेज रखने के लिए, खासतौर पे इस पेंडेमिक में, तो DIY बहुत किया। क्या क्या बनाया आपने? इस आधे दरवे चलो ट्राई करते हैं, एक लैंप बना के देखते हैं, या वो कोई टोकरी बुन के देखते हैं। तो जो ऐसी चीज होती है ना जो अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, हैंडी हो, वो करके देखते हैं। तो आदमी उसमें बिजी भी रहता है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। वरना तो आप घर में जाओ, लोगों के घरों में तो सब मोबाइल लेके ऐसे पड़े होते हैं। हाँ ये चीज मोबाइल से, बस ये चीज गलत हो गई कि फैमिली में भी ना, अगर मैं और आप बैठे हुए हैं और चार लोग और हाथ में सबके मोबाइल है, अच्छा हाँ हाँ बात की और फिर मोबाइल में लगे हुए, बात इग्नोर हो गई, चली गई। जो हमारी जो टीनेजर वाली नस्ल है ना, अभी जो नई वाली नस्ल है, उसको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, AC और वाई फाई के बगैर तो जिंदगी नहीं है, वो वाई फाई और ये। तो वो लोगों को निकालना चाहिए, मतलब वो लिटरेचर खत्म नहीं हुआ, और हो सकता है, हो सकता है, बहुत सारे घरों में होता है, बहुत सारे होते हैं, वो होता है। अगर आप उसको टाइमली आप करते हैं, या सेल फोन बच्चों से ले लें, या उस टाइम पे आप बंद कर दें, वाईफाई बंद कर दें, हाँ तो आप ये कर सकते हो बच्चों के लिए। तो हम ऐसी चीज करते हैं, अच्छा यार ये टिश्यू पेपर बना हुआ है तो कैसे बनाओ, चलो आप खुद बना के कोशिश करते हैं।
गलत ही होगा ना, हमने कौन सा बिजनेस करना है, बिल्कुल करके तो देखे तो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं और सब अपना दिमाग लगाने लगते हैं उसमें, तो ये अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन ये तो है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, बस मोबाइल यूज करते हैं लेकिन उससे हम कुछ सीखते नहीं कि चलो यार ये कर ले करके भी देख लें इसको, सिर्फ देख रहे हैं। अच्छा, मोबाइल भी तो आपका टाइम बड़ा किल कर रहा है। मोबाइल फोन क्या करता है कि अगर आप कोई चीज देख रहे हैं ना, ब्राउजिंग कर रहे हैं फेसबुक पे, एक तो आपने वो देखा जो किसी ने पोस्ट किया है, उसके बाद फिर अनशन शुरू हो गया, वो देखे जा रहे हैं आप। एक आदमी जो है ना वो गन्ने छीले जा रहे हैं, हाँ, वो भी देख लिया, फिर वो खत्म हुआ, आगे बढ़े, एक आदमी जो है ना अपडेटेड हुए जा रहे हैं, आप वो भी देख रहे हैं, हाँ। फिर आगे एक फुटबॉल का मैच आ गया, आपने वो भी देख लिया, बेकार की चीजें देख रहे हैं, बिल्कुल। इतना दिमाग को भर क्यों रहे हो, गिलास जैसा ही है ना ये, इतना भर क्यों रहे हो, इतनी ओवर इन्फॉर्मेशन क्यों है। अच्छा, उससे क्या होता है, उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, इट इज यू डोंट नो व्हाट टू डू इन योर लाइफ, आपको पता नहीं चलता कि यार करना क्या है। क्या मैंने मैंने एक घंटा लगा तो दिया इसको देखने, अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मैं तो भूल गया, मुझे तो पता ही नहीं, पता ही नहीं है सही बात। तो वो उसके लिए फोकस होना जरूरी होता है। तो आप कोई चीज बच्चों को जैसे लिखने की आदत या उसका हिसाब किताब लिखवाने की आदत ये रखे तो अच्छा लगता है, बस इस तरह की चीजें होती है, अल्लाह करे सही। ये सारी खाने में क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा, कौन सी डिश खाने में, दो बेगम रख दे आगे वैसे नहीं, वो तो है लेकिन होता है ना फेवरेट, दाल चावल या फेवरेट कढ़ाई कुछ, हाँ फेवरेट बारबेक्यू होता है, बारबेक्यू इंस्टेंट होता है, जल्दी बन जाता है और प्लस ही होता है उसमें फैट कम होता है, आदमी मेंटेन रहता है, प्रोटीन भी इनटेक मिल जाता है, उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, चटपटा भी होता है, इजीली अवेलेबल होता है, पूरे शहर भर में कहीं से भी आप ले लो, आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो कन्वीनियंट है। सही, बाहर के खाने शौक से खाते हैं, पहले खाते थे अब नहीं खाते, अब नहीं खाते, अब खा लेते हैं कभी कभार लेकिन वो इतने शौक से नहीं खाते, क्योंकि वो या तो वो खामा खाई का महंगा होता है, खामा खाई का महंगा, या वो खामा खाई का जो है ना वो मशहूर होता है, उसका जायका ही नहीं, जायका नहीं होता। कभी आपको होता ना ये जैसे खासतौर पर स्पेशली कराची में वो जी नली बिरयानी और वो जी टिक्का बिरयानी और कोफ्ता बिरयानी और पिरानी बिरयानी और पता नहीं सुलेमानी बिरयानी और पीली बिरयानी, इतनी सारी बिरयानी आ गई, वो मटका बिरयानी और फला बिरयानी, इतनी सारी चीजें आ गई, लेकिन बाज दफा ना वो ओवर रेटेड हुई हुई है चीजें। आप उस शॉप पे जाओ, आप देखते तो वही हो यूट्यूब पे, मतलब अपना मोबाइल फोन पे देखते हमारे पास, हाँ वो आप वहां पहुंचते हो पता चलता है वो तो ओवर रेटेड हुई हुई है, वो तो इतना जायका है नहीं जितना उसका लिखा हुआ है। तो इतनी मायूसी बार बार हो चुकी है, तो आदमी घर का अच्छा लगता है, पता तो चल रहा है क्या बनाया है सही, और अपने आंखों सामने पता होता है कि क्या चीज यूज हो रही है, साफ सुथरी है नहीं है। फिर वो पेंडेमिक के बाद वैसे भी बड़ी नफ्सियात चेंज हो गई आपको, ये भी आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी नफ्सियात चेंज हो गई, पहले शायद हम करते थे क्या हाल है, अब जरा यूं करते हाँ ये वाला भी है, कोनी भी मार, अलग अलग वो है, अलग इतना ही करीब आ जाता है आदमी, बिल्कुल लगना है तो लग जाएगा भाई वो, हाँ, लगना है तो लग जाएगा। शॉपिंग खुद करते हैं, वाइफ करती हैं, वाइफ करती है। मैं बहुत बुरी शॉपिंग करता हूँ। अच्छा, बड़ा है एग्रेसिव या इंपल्स बायर हूँ, समझ आ गया तो पीछे पड़ जाऊंगा, अच्छा खरीदनी है, फिर वाइफ भी कोनिया मारती है कि नहीं नहीं बहुत महंगा है ये, आप ये आपको देख के ना ये महंगा बता रहा हूँ, इतना होना नहीं चाहिए। अच्छा भाई, तो फिर मैं वो, फिर वो बाज ऐसी चीज होती है कि मैं कभी ले तो आया, हाँ। तो आप क्या उठा के लिया, ये तो आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा, महंगी भी ले ली, हाँ सूट भी नहीं कर रहा, तो मैंने कहा ठीक है वो आप वहीं रखे, और वाइफ जो लाती है वो पहन लेते हैं, कोई शिकायत नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चॉइस है उसकी। अच्छा, बहुत अच्छी चॉइस है, तो वो मुझे रखती है तो समझ में आता है। सही, और अभी प्रेजेंट जो है, अभी आपका क्या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई डायरेक्शन कौन से प्रोजेक्ट को? देखिये मेरा तो एक तो वो समझ ले कि शायद हमें एक टाइम पे आके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी जनाब, वो बुलबुले हैं। जब बुलबुले का सीन ये है कि बुलबुले को मुझे करते हुए 10 साल हो गए, हमारी पूरी टीम वो तो खैर बड़े बुजुर्ग, सब एज ग्रुप का ना, सब एज ग्रुप, हाँ सब एज ग्रुप का फेवरेट शो है। तो वो मैं एक बेकरी में था, तो वो एक बड़ा सा लड़का मुझे कहने का, सर आप बुलबुले में आते हैं? मैंने कहा जी मैं बुलबुले आ रहा हूँ। कह रहे मैं बचपन से देख रहा हूँ, तो मुझे याद, मुझे ख्याल है अच्छा मैं बड़ा हूँ। तो खैर वो 10 साल उसको हो गए, मोर देन 500 एपिसोड हो चुकी है माशाल्लाह। उसके अलावा डॉली डार्लिंग एक प्रोजेक्ट है, वो किया था अभी रिसेंटली। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिंग में और खासतौर पे कॉमेडी में जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े राइटर हैं, फसी बारी हो गए, क्या कहते हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट हो गए, अली मुइन हो गए, अली इमरान हो गए, और बहुत सारे और भी राइटर हैं माशाल्लाह से,
और बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, उन सबके साथ काम किया, तो वो एक आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस आ जाता है, क्योंकि हर आदमी के साथ आप काम करते हैं, सबका एक्सपीरियंस, स्क्रिप्ट पढ़ा, सबकी अदाकारी का स्टाइल होता है, जी, जी। तो बहुत सारी चीजें उनसे भी हमें सीखने को मिली अलहमदुलिल्लाह। तो ये एक तो वो चीज कर रहे हैं, उसके अलावा जो है दो OTT प्लेटफॉर्म होता है जो आजकल वो चल रहा है, उसके लिए दो काम कर रहे हैं। एक फिल्म में काम कर रहा था लेकिन वो फिल्म बेचारी वो डब्बा हो गई, अच्छा। क्योंकि वो पेंडेमिक से पहले फिल्म थी, वो कोई 40-60% कंप्लीट हो चुकी थी, और वो फिर उसके बाद उसको दोबारा आना था, उसको 1.5 साल हो गया, सिनेमा का भी पता नहीं है कब खुलेंगे, अभी दोबारा आगे का लॉकडाउन है तो वो पता नहीं है, प्लस उसमें जो कुछ काम कर रहे थे एक आध कोई साहब थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो वो जरा मुश्किल ही हो गई वो फिल्म, वरना वो फिल्म भी आ जाती फिर। लेकिन ये कि पुरोमीद है इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा, अल्लाह तआला, बस जो चीज होती है उसमें कोई बेहतरी ही होती है, बेशक बेहतरी होती है, कोई अच्छी चीज होती है। आपसे बात करके बहुत मजा आया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर वो सीख जाए। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें? बस यार मेरा मैसेज ये है कि एक तो खुश रहो और खुश रखो, इसका जो है ना एक साइंटिफिक रीजन भी है, आपके जो केमिकल होते हैं ना रिएक्शन, अगर आप मायूस रहेंगे ना तो आपके आसपास की नेगेटिविटी आपको और अट्रैक्ट करेगी। एक तो खुश रहो, ठीक है, माफ करना सीखो दूसरों को, और दूसरी बात ये कि आपको कोई भी काम करना है ना जिंदगी में, कोई भी काम करना है वो सीखो जरूर। मिसाल के तौर पर अगर आप घर में आपकी छोटी बहन अगर रोटी पका रही है ना तो उसको भी माँ सिखाती है पहले, फिर वो रोटी पकाती है। अगर आप ड्राइविंग पहले सीखते हो फिर आप ड्राइविंग करते हो, तो एक्टिंग भी इसी तरह है, पहले आप सीखो फिर आप काम करो। तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो, नए लोगों को आने का बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है, नए लोगों को आना चाहिए लेकिन थोड़ा सा सीख के। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दें। और जी व्यूअर्स, यकीनन आपने भी ये शो एंजॉय किया होगा, नेक्स्ट एपिसोड में फिर कोई नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।